तो गाइस वेलकम है आपका मेरे चैनल में। जो भी मेरे चैनल पे पहली बार आया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि अगर आप भी ऐसे क्रिस्टल्स यूज करते हैं तो आप इन क्रिस्टल्स अगर काम नहीं कर रहे हैं तो इनको चार्ज कैसे करें। तो ये आप देख सकते हैं, ये क्रिस्टल डिवाइन का प्रोडक्ट है। आप इसकी हेल्प से इन क्रिस्टल्स को चार्ज कर सकते हो। मैं आपको पूरा प्रोसेस बताऊंगा बिना वीडियो को स्किप किए आखिर तक देखे कि इसकी हेल्प से आप इनको कैसे चार्ज करें। तो मैं आपको बता दूंगी मेरे पास दो ब्रेसलेट्स कौन से हैं। तो ये है पायरेट का ब्रेसलेट, इसको मनी मैग्नेट ब्रेसलेट भी कहते हैं और फोर्स गोल्ड भी कहते हैं, बिकॉज आप इसकी क्रिस्टल्स की शाइन देख सकते हो, बिल्कुल गोल्ड के जैसे है। और अगर आप शेयर्स में पैसा या पैसे को अट्रैक्ट, आपके पास पैसों की कमी है तो आप ये जरूर पहने। और ये है लव स्टोन, ये रोज क्वार्ट्ज का ब्रेसलेट है, आप देख सकते हो। इसकी पहचान ही ये पिंक कलर का होता है, आप देख सकते हैं। और इसमें इविल आई है। अगर आपके पास प्यार है और आपके में आप में लड़ाई हो रही है तो ये आपको बचाता है लोगों की बुरी नजर से। एक बंदे के जीने के क्या होते हैं, पैसा और प्यार। ये दो ब्रेसलेट आपके लिए बहुत जरूरी है, आप ये जरूर पहने। और मैं अभी आपको बताता हूँ कि अगर ये दोनों काम नहीं कर रहे तो इनको चार्ज कैसे करें। महीने में एक दिन तो इनको चार्ज करना ही चाहिए, पूर्णिमा की रात को। तो वो भी मैं आपको प्रोसेस बताऊंगा कि आगे इनको चार्ज कैसे करें। तो अभी मैं इसकी अनबॉक्सिंग करके दिखाता हूँ आपको कि इसमें क्या है और इसकी हेल्प से इसको कैसे चार्ज करें। तो गैस ये है, ऐसे अमेजोन की पैकिंग में आता है। तो ये क्रिस्टल डिवाइन का प्रोडक्ट, अभी इसको अनबॉक्स करते हैं। तो इसमें की तो ये है, थैंक यू फॉर योर परचेज एंड कनेक्ट विद अस, क्रिस्टल डिवाइन का ये लोगो कार्ड। देन ये ऐसे पैकेज में आता है, बिकॉज ये एक मार्बल की प्लेट है, ये टूट ना जाए तो करके। तो आप देख सकते हैं ये 7 चक्कर है जो इन क्रिस्टल्स को पूरा पूरा रिचार्ज करते हैं। ये देखो आप 7 चक्कर फुली बने हुए हैं। तो अनबॉक्स करते हैं। तो ये एक मार्बल की प्लेट है, इन मार्बल्स के ये 7 चक्र बिल्कुल और बिल्कुल आपके क्रिस्टल्स को चार्ज कर देते हैं। और ये चार्ज सीधा नहीं होंगे, आपको ये प्रोसेस करना पड़ेगा, तभी मैंने आपको कहा था कि वीडियो को स्किप मना करें। तो मैं बताता हूँ कि इन क्रिस्टल्स को इस 7 चक्र की हेल्प से रिचार्ज कैसे करें। तो आपको सबसे पहले एक कंच का बोल लेना है। इस बाउल में थोड़े सा राइस ले लेने आपको पानी में, बिकॉज आपको पता है चावल सारी नेगेटिव एनर्जी अब्सॉर्ब कर लेते हैं, चावल का काम ही अब्सॉर्ब करना है। और ये मार्बल को उसके बीच में रखना है बिल्कुल एग्जैक्ट। आप रात को सोते टाइम इसको अपने पिल्लों के पास ऐसे ही पानी में रख के देन इन क्रिस्टल्स को बिल्कुल इसके ऊपर रख दें, ये 7 चक्र के ऊपर। ये 7 चक्र बिल्कुल इसको पूरा का पूरा रिचार्ज करने में हेल्प करेंगे इन दोनों स्टोन्स को। अगर ये स्टोन काम नहीं कर रहे हैं तो आप एक रात ऐसे रखें। अगर आपको ये प्रोसेस इस ऐसा है, आपको जब भी लगे ये चीज़ काम नहीं कर रही ये स्टोन, तो आप रात को ऐसे ही ये प्लेट के ऊपर अपने क्रिस्टल्स रख सकते हैं और ये फुली चार्ज हो जाएंगे। और अनदर स्टेप है इन क्रिस्टल्स को चार्ज करने का, पूर्णिमा की रात को इनको मूनलाइट में रख दें। हर महीने की पूर्णिमा की रात को इन क्रिस्टल्स को मूनलाइट में रख दो, ये रिचार्ज हो जाएंगे। तो ये क्रिस्टल डिवाइन की ये प्लेट तो हेल्प करती है। अगर आपको पूर्णिमा की तक वेट नहीं करनी है तो आप इसकी हेल्प से इनको रिचार्ज कर सकते हैं। ये सिंपल सा प्रोसेस है, सिंपल इस प्लेट के ऊपर आपको अपने क्रिस्टल्स रखने हैं और ये फुली रिचार्ज हो जाएंगे। देन सुबह उठ के अपने प्लेट को सेलेटाइन क्रिस्टल प्लेट को बाहर निकाल के इन इस पानी को चावल को नाली में बहा दे, बिकॉज इसमें सारी नेगेटिव एनर्जी है। आप इसको अपने घर में ना रखें, इसको नाली में बहा दें और इसको गंगा जल से साफ करें। इन क्रिस्टल्स को गंगा जल से साफ करें, सुबह नहा के इनको पहन लें। तो अगर वीडियो अच्छी लगी है वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट करना ना भूलें।